लॉकडाउन से ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बढ़ा, लेकिन अमेरिका में ऐसा बदलाव आया कि भारतीय छात्रों पर आफत आ पड़ी। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम चर्चा करेंगे भारतीय छात्रों के वीजा को लेकर ट्रंप सरकार के नए नियम की। दरअसल नए नियमों के तहत अमेरिकी सरकार ने उन छात्रों का वीजा रद्द करने का फैसला किया है जिनका शैक्षणिक कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में अमेरिका में रह रहे न सिर्फ भारतीय बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी यह चिंता का विषय है। अमेरिकी अप्रवासन के नए नियमों के अनुसार विदेशी छात्रों को दो विकल्प दिए गए हैं, वे या तो देश छोड़ें या फिर किसी ऐसे कोर्स में दाखिला लें जो पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है और जिनके लिए कक्षा में जाना अनिवार्य है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS द्वारा घोषित यह नया नियम F1 और M1 श्रेणी का वीजा लेकर अमेरिका जाने वाले छात्रों के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, यह नियम चेतावनी भी देता है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो छात्रों को निर्वासित भी किया जा सकता है। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE विभाग ने छात्रों को रेगुलर कोर्स में ट्रांसफर लेने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि F1 और M1 वीजा एक प्रकार का स्टूडेंट वीजा है जो अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जहां F1 वीजा किसी विदेशी छात्र को अमेरिका के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शैक्षणिक या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में पूर्णकालिक छात्र के रूप में दाखिला दिलाता है, वहीं M1 वीजा गैर पेशेवर या फिर गैर शैक्षणिक अध्ययन के लिए जारी किया जाता है। F1 वीजा के तहत किसी अप्रवासी छात्र को पहले शैक्षणिक वर्ष के बाद ही कैंपस के बाहर कार्य करने की अनुमति होती है, लेकिन M1 वीजा अध्ययन के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं देता। अब अगर अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के आंकड़ों को देखा जाए तो साल 2018-19 में तकरीबन 10 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिका पहुंचे थे। वर्तमान में तकरीबन 2 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस लिहाज से चीन पहले स्थान पर है। इस नियम का प्रभाव अमेरिकी विश्वविद्यालयों के राजस्व पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस नियम से पूर्व अमेरिका में दाखिला ले चुके छात्रों के पास सेमेस्टर छोड़ने पर विचार करने का भी विकल्प मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में पढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में तकरीबन 41 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। अपनी तैयारी को नई दिशा देने के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।